सर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वीट ग्रास कैसा बनेगा जूस इसका। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम गणेश है सर। कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट किया? मैं 4 ईयर्स से कर रहा हूँ सर। अभी मैं वीट ग्रास का जूस बना रहा हूँ सर। इसको कैसा बनाना है क्या है मैं आपको वीडियो बताऊँगा सर। आइए। कितने दिन लग जाते बनने में? सर ये एक्चुअली क्या है, रखे तो अपन 10 डेज 12 डेज भी रखे तो बढ़ते रहेगा सर। वो क्या है 10 डेज 12 डेज का ग्रास वेस्ट रहता है सर। विद इन 7 डेज ग्रास का यूज़ करना चाहिए सर। जो उसमें क्या है अपने को कौलापन रहेगा, अच्छा टेस्टनेस बनेगा। एक ट्रे से कितना ग्लास बन जाता है जूस? सर इसमें अपने को एक 5-6 ग्लास बन जाएगा सर। इसको ऐसे कट करके वॉश करते सर, इसको वाटर मिला के। ये खुद लगाते हैं कि मार्केट से लेते हैं? हाँ नहीं सर, ये मैं घर पे खुद डालूंगा सर। और इसमें केमिकल वो ये कुछ नहीं मिलाते सर। लाल मट्टी कोकोपीट मिला के डालते इसको सर। अब इसको वॉश कर रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा बारीक कट करके डालना चाहिए सर। अभी ऐसा जार में डाल के एक थोड़ा सा वाटर मिला लेना इसमें। अभी ये वीट ग्रास का जूस बना रहा हूँ सर मैं। सर ये बन गया वीट ग्रास सर। इसको क्या है ऐसा फिल्टर करना पड़ेगा सर। ये ऊपर से छान लिया जा रहा है यहाँ पे। हाँ सर, इसको अच्छे से छान लेके जूस बना के पीना चाहिए सर। तो हाँ सर, हार्ट नल्स के लिए और हेमोग्लोबिन, ब्लड सर्कुलेशन, कैंसर पेशेंट, हर एक 100 मेडिसिन का काम करेगा सर। अभी इसमें भी क्या है सर, ये वेस्टेज नहीं करेंगे सर। जिसको भी थोड़ा ब्लैक डब्बे या इधर आंख के पास कुछ भी ऐसा सर को मार गिर लगा सो रहेगा ना सर, तो डब्बा रहा तो उनको बोलेंगे कि ये 15 मिनट्स अप्लाई करके थोड़ा धूप में बैठ के फेस वॉश कीजिए बोल के। इससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा सर, एकदम ग्लो आ रहा है एकदम फेस में पूरा। फिर अपन ये क्या करते हैं, कस्टमर्स कोई भी नहीं लेके गए तो गाय को खिलाते सर। इसमें जितना प्रोटीन आयरन रहेगा सर, बहुत सारा बेनिफिट रहता है इसमें। तो अपन क्या करते हैं पूरा फिर गाय को खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे जूस लगने जा रहे हैं। हाँ सर, अभी ये वीट ग्रास बना रहा हूँ सर मैं। ये वीट ग्रास है, इसमें क्या है सर, आप थोड़ा हनी मिला ले सकते हैं, जिंजर लेमन सर। इससे वेट लॉस भी होगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, बहुत सारे अच्छा है सर। ये अभी थोड़ा जिंजर मिला रहा हूँ और ये थोड़ा सा जागरी मिला रहा हूँ सर। अभी इसमें क्या है बोले तो सर, थोड़ा फर्स्ट टाइम पीने से थोड़ा कड़वापन लगेगा, थोड़ा वॉन्टिंग आए जैसा होगा सर। सेकेंड टाइम में आदत हो गया तो कुछ नहीं होता सर। फाइनली हैदराबाद में मैंने वीट ग्रास जूस यहाँ पे लगा लिया है। ये पूरा ग्लास वीट ग्रास जूस का है जो कि 20 रुपए का है, जिसमें इन्होंने जिंजर डाला है, जैगरी डाला है। तो चलिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा है, एकदम मीठा और बहुत ही टेस्टी है। तो भैया ने इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे आकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी जूसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही वैरायटी के जूस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने भी जूसेस रहते हैं 20 रुपए का आपको एक ग्लास मिल जाएगा जूस का। जो भी आपने जूस पीना सब 20 रुपए के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर टाइमिंग क्या रहती है सर? मॉर्निंग 6 to 12 सर। और वीक में कितने दिन लगाते हो? 365 डेज वर्किंग सर। 7 डेज ओपन? यस सर, यस। और एड्रेस बता दीजिए। सुंदर है फर्क, बागनिंगम पहली हैदराबाद, और एक दूसरा इंदिरा पार्क सर, NTR स्टेडियम इंदिरा पार्क अपोजिट। तो अगर आप भी हैदराबाद रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा हेल्दी जूस पीना चाहते हो, तो इनका वीट ग्रास जूस आके इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।